नमस्कार, मैं हूं अभिलाषा और स्वागत है आपका बैक टू द नेचर में। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूं हमारे मैजिकल प्लांट नीम के बारे में और किस तरह नीम का इस्तेमाल करके आप अपनी हेल्थ, अपनी स्किन और अपने बालों को सुंदर और हेल्दी बना सकते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा में हजारों वर्षों से नीम को उसकी हीलिंग प्रॉपर्टीज की वजह से यूज में लाया जाता है। मार्केट में मिलने वाले कई ब्यूटी प्रोडक्ट्स, फेस प्रोडक्ट्स, हेयर प्रोडक्ट्स, टूथपेस्ट सभी में नीम डलता है, पर मुझे ऐसा लगता है ये एक अंडररेटेड प्रोडक्ट है क्योंकि आज भी लोगों को इसके फायदे के बारे में उतना नहीं पता। आयुर्वेदिक चिकित्सा में वात दोष यानी कि न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के लिए इसका बहुत इस्तेमाल होता है। इसे कल्पवृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। आइए मैं आपको बताती हूँ इससे टोनर कैसे बना सकते हैं। आपने कुछ पत्तियां लेनी है नीम की, उन्हें वॉश करना है, बॉयल करना है, ठंडा करके छान लेना। इसे रेफ्रिजरेट करके 7 दिन तक आप इस्तेमाल में ला सकते हैं और आपका टोनर तैयार हो गया। तो आइए आपसे डिस्कस करते हैं क्या फायदे हैं इस टोनर के। अगर आप इसका रेगुलर यूज करते हैं तो ये आपके एक्ने की प्रॉब्लम को क्लियर करता है। नीम के टोनर के फॉर्म से आपकी स्किन में अगर स्कार्स हैं, अगर आपकी आईज के नीचे डार्क सर्कल्स हैं, आपको पिगमेंटेशन या ब्लैकहेड्स की प्रॉब्लम है तो उससे भी निजात मिल जाती है। सुबह उठकर खाली पेट नीम का जूस पीने से आपका डायबिटीज कंट्रोल में आता है, आपका ब्लड प्योरीफाई होता है, आप वेट लूज कर लेते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव करता है, आपका इम्यूनिटी बूस्टअप होता है, आपको सांसों की दुर्गंध की प्रॉब्लम से निजात मिल जाती है, आपका मलेरिया, टीबी या ऐसे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन से प्रॉब्लम है तो उसमें भी आपको हेल्प मिलता है, आपको कोई भी ऐसे इन्फेक्शन की रिस्क है, हार्ट डिजीज या कैंसर की रिस्क है उससे भी आपको निजात मिलती है, आपकी आईसाइट इम्प्रूव होती है, आपका डाइजेशन इम्प्रूव करता है, आपका लिवर और कोलन क्लीन करता है। इसे पीना इतना आसान नहीं, पर इतने सारे बेनिफिट्स होने की वजह से आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। ध्यान दीजिए, आपको मार्केट से मिलने वाला नीम पाउडर यूज नहीं करना है। प्लांट से आपको फ्रेश लीव्स लेनी है और उसी को इन रेमेडीज के लिए इस्तेमाल में लाना है। अब बात करते हैं फेस मास्क और हेयर मास्क को बनाने की। आपने नीम की लीव्स को वॉश करना है, उसका एक पेस्ट बनाना है, उसमें ऐड करना है आपने हल्दी, आपने ऐड करना है दही, आपने ऐड करना है हनी, कैस्टर ऑयल और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसके बाद आपने इस पेस्ट को अपने हाथ में पैच टेस्ट के लिए एक बार ट्राई करना है। इसमें आपने एक नींबू भी ऐड करना है और अगर आपको उसको लगाने से कोई खुजली या ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है तभी आप इसको अपने फेस पे अप्लाई करिएगा। नीम की लीव्स में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ई, विटामिन सी, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, एंटीऑक्सीडेंट्स, कैरोटीन, आयरन, ये सब मौजूद होता है। इसकी वजह से ये आपकी स्किन और आपके हेयर के लिए बहुत ही हेल्दी रहता है। स्किन में लगाने से यह आपके कील मुहासों की प्रॉब्लम से निजात दिलाता है, आपकी स्किन को लाइटन करता है, ड्राई स्किन को भी ट्रीट करता है और आपकी एजिंग के जो इफेक्ट्स आते हैं उनको रिड्यूस करता है। इसमें इतनी अच्छी रिजेनरेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं जिससे कि आपकी स्किन के लेयर के नीचे पैथोजेंस से ये फाइट करता है और आपकी स्किन को सफल रखता है। इसकी वजह से आपको रिंकल्स, फाइन लाइन, डार्क स्पॉट्स या डार्क सर्कल्स या फिर कोई भी स्कार्स हैं तो उनसे भी निजात मिल जाती है। ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, नरिश करता है और साथ ही इसमें इतनी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। साथ में ये आपका कोलेजन बूस्टअप करता है, आपकी स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ाता है, इचिनेस है, इरिटेशन है तो उसे भी सूट करता है और आपकी स्किन को रेजुविनेट करता है। नीम में मौजूद फैटी एसिड्स, ग्लाइसराइड्स आपकी स्किन को सूट करते हैं और आपके बालों के लिए भी अच्छे होते हैं। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, ये एंटी बैक्टीरियल है, एंटी वायरल है, एंटी फंगल है तो इससे रिलेटेड कोई भी इश्यूज आपकी स्किन में या बालों में हो तो ये उसको क्लीन अप कर देता है। नीम के ऑयल को नाक में डालने से आपको दमा के रोग में भी काफी आराम मिलता है, साथ में कफ और फीवर से भी निजात मिलती है। बालों में से आपको सबसे पहले डैंड्रफ से आराम मिलता है, हेयर फॉल और बाल पैचेस अगर आपके हो गए हैं, जुएं अगर आपके सर पे हो गए हैं उससे भी आपको आराम मिलता है, साथ में आपके बालों को लंबा भी करता है। डैंड्रफ को ये कैसे ट्रीट करता है? दोस्तों, डैंड्रफ हमारे सर में मौजूद एक फंगस मालासेजिया की वजह से होते हैं, जो हमारे सर से निकलने वाला ऑयल जिसे कि हम सीबम कहते हैं उस पे और डेड स्किन सेल्स पे फीड करते हैं। जब हमारे सर से ज्यादा सीबम सिक्रीट होता है तो वो हमारे सर के पोर्स को ब्लॉक कर देता है, उसकी वजह से वो सूज जाते हैं और बाल निकल के झड़ने लगते हैं। हेयर फॉल की प्रॉब्लम को ये सबसे पहले एंटी इन्फ्लेमेटरी होने की वजह से सॉल्व करता है, उसके बाद ये आपके सर के जो स्कैल्प है उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करता है। इसमें मौजूद फैटी
एसिड्स आपके फॉलिकल को भी काफी स्ट्रांग बनाते हैं और आपके बालों को जल्दी लंबा करने लगते हैं। तो आप इसे यूज करके देखेंगे कि काफी जल्दी आपके बालों की लेंथ बढ़ने लगेगी। अगर आप चाहते हैं इस पैंडेमिक के टाइम में जल्दी से आपके बालों की लेंथ बढ़ जाए और जब आप बाहर जाते हैं तो आपके लंबे बालों को आप फ्लॉन्ट कर सके, तो आप इस पैक को जरूर ट्राई करिए। एक इम्पॉर्टेंट बात आप नोट करिएगा, नीम एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, तो अगर आप चाहते हैं बेबी कंसीव करना, प्रेग्नेंट होना, तो आप नीम वाटर मत पीजिए। आप इसको किसी भी वे में कंज्यूम मत करिए, आप उसकी पत्तियां भी मत खाइए और उसका जूस भी मत पीजिए। आधे घंटे तक पेस्ट को अप्लाई करने के बाद माइल्ड शैम्पू से क्लीन कर लीजिए। आपके बालों से थोड़ा सा ग्रेनी नीम का पेस्ट झड़ता रहेगा, पर अगले वॉश तक वो क्लीन हो जाएगा। तो ये थे मेरे टिप्स बाल, स्किन और हेल्थ के लिए। मेरे चैनल को अगर आप पसंद करते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं अभिलाषा, थैंक यू।